लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। देखो गीता, जो कुछ भी मैंने किया वो मेरा कर्तव्य था। हाँ, और उसी का इनाम मैं तुझे आज देने आई हूँ। ये तो भ्रम मात्र है, ये गीता नहीं है, गीता का प्रतिबिंब मात्र है। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है गीता के हाथों सुधा श्रीवास्तव का खून होते हुए, और तुम कह रहे हो कि गीता वहां गई नहीं। जी हां जज साहब, लोगों ने उस वक्त वहां जिस गीता विश्वास को सुधा श्रीवास्तव पर गोली चलाते हुए देखा, वो दरअसल गीता विश्वास नहीं थी, उसका प्रतिबिंब था, भ्रम मात्र था। गीता ने कोई कत्ल नहीं किया, उसको सिर्फ एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है ताकि वो शक्तिमान के कॉमिक्स ना निकाल पाए। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस गीता विश्वास के खिलाफ साजिश रची गई थी, इसलिए यह अदालत मिस गीता को दोनों कत्लों के जुर्म में निर्दोष मानते हुए बाइज्जत रिहा करती है। ये साहिब चाहे जो भी हो, ये शक्तिमान कॉमिक्स का दुश्मन है। और अब देखिए, हम लोग तो जानते हैं कि साहिब ने पहले देवी जी को हत्या के आरोप में हवालात में भिजवा दिया और फिर अपने आदमी भिजवाकर उसे हवालात से भगवा दिया और प्रचार कर दिया कि शक्तिमान भैया ने देवी जी को हवालात से भगवा दिया है, और उसके बाद पत्रकार सुधा श्रीवास्तव की हत्या के आरोप में देवी को फंसा दिया ताकि लोग समझें कि देवी जी अपराध पर अपराध कर रही है, अपराध पर अपराध कर रही है, और शक्तिमान भैया जो है वो देवी जी को बचा रहा है, बचा रहा है, बचा रहा है। ये तो अच्छा हुआ शक्तिमान भैया ने अंत में आकर गुत्थी को सुलझा दिया, परंतु हम जानते हैं कि साहेब चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो फिर कुछ ना कुछ करेगा। वो शक्तिमान का दुश्मन है और शक्तिमान भैया का तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए हम यहां पर देवी जी को आगाह करने आए हैं कि वो शक्तिमान भैया की दुश्मनी देवी जी से निकालेगा, वो देवी जी पर जरूर अटैक करेगा, इनका आयत करने की कोशिश करेगा वो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई गंगाधर जी। क्या?
क्या यही सब बातें शक्तिमान की समझ में नहीं आई होंगी? आई होगी ना, अवश्य आई होगी। अरे जब वो बात हमारी समझ में आती है तो शक्तिमान भैया के समझ में कैसे नहीं आएगी? हम ठहरे गंगू तेली और वो ठहरे राजा भोज, समझ में आई होगी उनकी। अरे अगर उनको ये बात समझ में नहीं आती तो फिर वो गीता जी को अदालत में निर्दोष कैसे साबित करते? यही तो तज्जुब है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी साहब तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है शक्तिमान। इसका कारण तो हमें ज्ञात नहीं है, परंतु साहब से जुड़ी एक बात है जो हमें पता है। क्या? क्या गंगाधर? अरे जो बात हमें साहब के बारे में पता है ना देवी, वो बात साधारण नहीं है, असाधारण बात है। असाधारण बात, एक ऐसी असाधारण बात जो केवल और शत प्रतिशत हमारे ही मस्तिष्क में आ सकती है। पर वो... अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये बात हमारे मस्तिष्क में ही क्यों आई, आप लोगों के मस्तिष्क में क्यों नहीं आई? तो इसका उत्तर भी है कि हमारा मस्तिष्क जो है ना, वो मस्तिष्क भी असाधारण मस्तिष्क है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा मस्तिष्क ही असाधारण मस्तिष्क क्यों है? तो उत्तर यह है कि हमारा मस्तिष्क... गंगाधर सीधी बात कहो ना। अरे यही तो कहने जा रहे हैं, पहले हमें अपनी बात तो पूरी करने दो। हाँ, तो एक मुदंबर जी, हम आपको ये बताने जा रहे थे कि हमारा मस्तिष्क जो है वह असाधारण मस्तिष्क क्यों है। अब हमसे ये कोई पूछेगा कि हमारा यह मस्तिष्क असाधारण मस्तिष्क क्यों है? क्यों है? तो इसका उत्तर जो है ना, वो उत्तर भी बहुत असाधारण है। ये गंगाधर जी, वो उत्तर क्या है जी? यही तो हमें ज्ञात नहीं है स्वामी जी। हम अपनी बाल्यावस्था से इसी एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है वो असाधारण मस्तिष्क क्यों है। गंगाधर प्लीज, मजाक छोड़ो, ये मजाक का वक्त नहीं। अरे देवी जी, हम मजाक नहीं कर रहे, हम सत्य कह रहे हैं। और सत्य है कि हम बचपन से ही इस एक प्रश्न के ऊपर उलझे हुए हैं, इस एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है वह असाधारण मस्तिष्क क्यों है, मगर हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। क्या आप लोगों में से कोई हमारी मदद कर? प्लीज। परंतु देवी जी, अब चुप क्यों हो गए? वो आपने कहा ना शट अप। अरे वो बात बताओ ना जो बताना चाहते हो। अच्छा वो बात जाने दीजिए, हम नहीं बताएंगे। क्यों? आप सुनेंगी तो फिर हंसेंगी, कहेंगी कि हम पुनः मजाक करने लगे। परंतु हम सत्य कह रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे, अत्यंत गंभीर बात है जो साहिब से जुड़ी हुई है। अरे लेकिन वो कौन सी बात है गंगाधर, वो तो बताओ। हाँ, वो बात ये है कि वो जो साहिब है ना, वो साहिब असल में, वो जो साहिब है ना साहिब, वो साहब असल में क्या है? अंतर्यामी है। क्या? क्या क्या? हाँ देवी, वो साहब जो है ना, वो अंतर्यामी व्यक्ति है। वो दूर रहकर भी सब कुछ देख सुन सकता है, वो किसी भी जगह कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ देख सुन रहा हो। कहीं इसे मेरे असलियत के बारे में पता तो नहीं चल गया। आपका क्या ख्याल है मेयर साहेब? मेरा क्या ख्याल हो सकता है गंगाधर? तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो ना गंगाधर। अरे साफ साफ तो कह रहे हैं हम देवी जी, ये जो साहेब नाम का प्राणी है ना, वो सचमुच का अंतर्यामी है। अगर वो अंतर्यामी नहीं होता तो आप हमें बताइए उसे कैसे पता चलता कि आपने कॉमिक्स के गोदाम की चाबी रीता को सौंपी है। आपने यहां पर रीता को गोदाम की चाबी सौंपी और उधर साहिब ने नवरंगी को भेजकर रीता के घर से गोदाम की चाबी मंगवा ली। और इससे क्या साबित नहीं होता कि साहिब अंतर्यामी है? एब्सोल्युटली राइट, गंगाधर की बातों में दम है गीता जी। हाँ गीता, आखिर इस सांप को पता किसे चला कि हमने रीता को कॉमिक्स के गोदाम की चाबी सौंपी थी? अरे बाबा, गंगाधर जी ने बोला ना
कि वो अंतर्यामी है, उसको सब कुछ पता चल जाता है। या फिर दीदी, हमारे बीच कोई जरूर ऐसा है जो हमारी बातें साहब तक पहुंचाता है। हाँ हेमल, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आखिर हमारे बीच में ऐसा कौन है जो हमारी बातें साहब तक पहुंचा सकता है? हो सकता है गीता, वो हमारे बीच ही आने जाने वाला कोई हो। लेकिन हमारे बीच ऐसा कौन आता जाता है गीता? हाँ, मैं हूं ना, मेरा यहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है, हो सकता है कि वो आदमी मैं ही हूँ। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप तो हमारे वेल विशर हैं। परंतु देवी जी, साहेब का शुभचिंतक हमारे बीच में है जरूर, अब वो कौन है ये हमें नहीं पता। यही तो अफसोस की बात है गंगाधर जी, कि किसी को कुछ नहीं पता, ना ही कोई साहब के बारे में जानता है और ना ही कोई शक्तिमान के बारे में, ना ही किसी को यह पता है कि साहब कौन है, कहां रहता है और वो समाज में किस नाम से रहता है, ना ही किसी को यह पता है कि शक्तिमान कौन है, कहां रहता है और वो समाज में किस नाम से रहता है। गंगाधर जी, क्या आपको यह नहीं लगता कि साहब और शक्तिमान इन दोनों का रहस्य एक जैसा है? नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। साहब जो है वो एक अपराधी है, जबकि शक्तिमान अपराध के खिलाफ जंग लड़ता है। लेकिन फिर भी गीता जी, साहब है तो शक्तिमान की टक्कर का, इसलिए तो शक्तिमान अभी तक साहब तक पहुंच नहीं पाया। या शायद शक्तिमान को इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वरना शक्तिमान के होते हुए कॉमिक्स का नहीं मिलना, साहब का नहीं पकड़ा जाना, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, शायद आप लोगों को मेरी ये बात अजीब लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शक्तिमान कॉमिक्स को ढूंढना ही नहीं चाहता। नहीं कुमार जी, ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है गीता जी, आप खुद ही सोचिए कि अगर शक्तिमान किसी को ढूंढे और वो शक्तिमान को नहीं मिले, क्या ऐसा हो सकता है? शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि कॉमिक्स जैसी छोटी मोटी चीजों के लिए शक्तिमान के पास वक्त ही नहीं है। शक्तिमान के लिए हमारी कॉमिक्स छोटी चीज कैसे हो सकती है मेयर साहब? एग्जैक्टली, हमारे कॉमिक्स में तो शक्तिमान का ही लाइव स्टोरी है ना जी। हो सकता है कि फिर भी शक्तिमान को कोई इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि शक्तिमान एक महान इंसान है और महान लोग अपनी आत्मकथा दूसरे लोगों को सुनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। अरे बाबा, फिर हम लोगों का क्या होगा? हम लोगों का सबका जमा पूंजी पूरा लग गया है इसमें। हाँ मेयर साहब, अब आपसे क्या छुपाना, आप तो अच्छी तरह जानते हो कि हमने कितनी मुश्किल से कॉमिक्स की शुरुआत की थी। अब कॉमिक्स को दोबारा छापने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर शक्तिमान ने कॉमिक ढूंढकर नहीं लाया तो समझ में नहीं आ रहा हम लोग दोबारा कॉमिक छापने के लिए पैसा कहां से लाएगा। बस इतनी सी बात घोष बाबू, आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें। भाई देखिए, मैं शक्तिमान जैसा ताकतवर तो नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ, लेकिन मेरे पास इतना कुछ तो है कि मैं इस मामले में आप लोगों की जैसे भी हो वैसी मदद कर सकूं। अगर आप लोगों को पैसों की जरूरत है तो मैं पैसे दे सकता हूँ, अगर गीता जी बुरा ना माने तो। जी थैंक्स कुमार जी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे मांग लूंगी। ओके, अब मैं चलता हूँ। बाय एवरीबॉडी। बाय बाय गीता जी। बाय बाय गंगाधर जी। हाँ हाँ गंगाधर जी, वाकई वो अपना वो क्या कहते हैं उसे, आपका मस्तिष्क, मस्तिष्क वो एकदम वो क्या क्या कहा था आपने, असाधारण। हाँ हाँ वाकई आपका आपका जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल असाधारण है। नमस्ते गंगाधर। जरा मेरे कैबिन में आना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या बात करनी है देवी जी? क्या? Let us do our work. ये घोष बाबू, ये गीता आकर चाहती क्या है? अगर कुमार साहब हमको पैसे देने को तैयार है तो ये हाँ क्यों नहीं कर देती? बैठो। अब बताइए देवी जी, आप हमसे एकांत में क्या बात करना चाहती?
तुम सारे सिचुएशन को जानते हो। कॉमिक्स अब तक नहीं मिली, ये लोग कितने परेशान हैं, इतना कि सुधांशु जी ने आज कुमार जी से मदद करने को भी कह दिया। हाँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है देवी जी, आवश्यकता के समय एक इंसान दूसरे इंसान से ही सहायता मांगेगा ना, भेड़ बकरियों से तो नहीं मांगेगा। प्लीज मेरी परेशानियों का मजाक मत उड़ाओ। क्या तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारी कॉमिक्स को छापने के लिए मुझे किसी और की मदद नहीं लेनी है। हमारी कॉमिक्स या शक्तिमान भैया की कॉमिक्स? फिर वही, आखिर बार बार तुम ये ड्रामा क्यों? अच्छा एक बात बताइए देवी जी, आप कॉमिक्स दोबारा छापने के लिए किसी और की मदद क्यों नहीं लेना चाहती? अगर किसी और के पैसों से कॉमिक्स छपेगी तो तुम्हारी बदनामी नहीं होगी? हमारी बदनामी? हाँ, लोग तो यही सोचेंगे ना कि शक्तिमान अपने ही कॉमिक्स को नहीं ढूंढ पाया। इसलिए कुछ करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम कुछ करें? हाँ अवश्य करेंगे ना, हम ऐसा करते हैं कि अपनी एक महीने की तनख्वाह आपको दोबारा ला कर दे देते। तुम चाहते क्या हो? हाँ मैं इतने सीरियस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, तुम हो के? देखो तुम मुझे आज साफ साफ बताओ, आखिर तुम कॉमिक्स को ढूंढ क्यों नहीं पाए हो? देखिए देवी जी, आप हमारा मजाक भी उड़ाने लगी, बड़ा हम कॉमिक्स कहाँ से ला सकते हैं, वो तो शक्तिमान भाई। तुम कॉमिक्स को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हो, और साहब जैसा एक छोटा अपराधी तुम्हारी पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? मुझे जवाब दो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम पहले जैसे शक्तिमान नहीं रहे? क्या तुम कॉमिक्स को ढूंढने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहे हो? जवाब दो मुझे शक्तिमान, प्लीज जवाब दो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब लोग ये कहते हैं कि शक्तिमान कुछ कर नहीं पा रहा है। मुझे अभी इसी वक्त जवाब चाहिए कि तुम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हो, बताओ मुझे। शक्तिमान ने कोशिश की है गीता, शक्तिमान ने कोशिश की है कॉमिक्स को ढूंढने की भी और साहिब तक पहुंचने की भी। फिर? मगर दोनों ही शक्तिमान की नजरों में नहीं आ पा रहे हैं गीता। लेकिन क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शक्तिमान की शक्ति कम होने लगी है? नहीं गीता, शक्तिमान की शक्ति कम नहीं हुई है, शक्तिमान की शक्ति कम नहीं हुई है, बल्कि उसी जगह ही कोई रहस्य छिपा है जहां साहब और कॉमिक्स दोनों हैं। इसीलिए शक्तिमान की दिव्य दृष्टि भी ढूंढ नहीं पा रही कॉमिक्स को भी और साहिब को भी। अरे मेरा अड्डा कहां गया मेरा अड्डा? अरे कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? पर ऐसे कैसे हो सकता है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर ये अचानक, मुझे अपना अड्डा नजर क्यों नहीं आ रहा? कहीं शक्तिमान को मेरे अड्डे के बारे में पता तो नहीं चल गया? मुझे 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 ज्यादा देर यहां रुकना नहीं चाहिए। क्यों चौंक गए ना अंधेरे का करिश्मा देखकर? तुम मेरी गाड़ी में कैसे पहुंच गए? अंधेरा कहीं भी पहुंच सकता है साहब, बगैर दस्तक दिए मैं अंधेरे का नुमाइंदा हूं। मुझे तुम्हारे पास आने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। ओह, तो तुम्हें महामहिम तमराज किल्विश ने अपना पैगाम लेकर भेजा है, लेकिन क्या तुम्हें मेरे अड्डे को गायब किया है? तुम जैसे शातिरों को ऐसी बेवकूफी की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सामना किसी छोटे मोटे आदमी से नहीं शक्तिमान से है, जो जो अंधेरे का सबसे बड़ा दुश्मन है। मगर इस बात का मेरे अड्डे को गायब करने से क्या संबंध है? संबंध है, तुम क्या सोचते हो कि तुम इस अड्डे को शक्तिमान की नजरों से जहां कॉमिक्स छुपा के रखी है बचा सकते हो?
भूल जाओ, अगर अंधेरे का रहमो करम तुम्हारे ऊपर नहीं होता तो शक्तिमान इस अड्डे तक पहुंच गया होता। अंधेरे ने अपनी माया जाल से इस जगह को छुपा कर रखा है, इसीलिए ये जगह शक्तिमान की नजरों से बची हुई है, नहीं तो अब तक शक्तिमान इसे तहस नहस कर चुका होता। ओ, तो इसीलिए शक्तिमान को मेरे अड्डे के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। खैर, एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि यदि अंधेरा चाहे तो ही तुम्हारे अड्डे को कोई देख सकता है, और यदि न चाहे तो कोई नहीं देख सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। वो देखो, वो रहा तुम्हारा अड्डा। अरे, ये तो दिखने लगा। ये कहाँ गायब हो गया? अंधेरा अगर ना चाहे तो कोई चाह कर भी नहीं देख सकता है तुम्हारे इस अड्डे को, अगर उसकी मर्जी हो तो ही इस अड्डे को कोई देख सकता है, तुम भी। तुम फिर से? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंधेरे को तुम्हारी जरूरत है। अंधेरे को क्या जरूरत पड़ गई मेरी? अंधेरा अब खुद अपने आप को इस कदर फैलाना चाहता है कि जहां भी किसी की नजर जाए वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो, और इसी वजह से उसने अपने शरीर को भी छोड़ दिया है। शरीर छोड़ दिया? हाँ, उसका मकसद है अपनी ताकत को बढ़ाना, अपनी माया को इस दुनिया में इस कदर फैलाना ताकि लोग अंधेरे के गुलाम हो जाएं। लेकिन अभी तक तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अंधेरे को मेरी क्या जरूरत पड़ गई। जरूरत तो अब भी वही है जो तुम जानते ही हो। अंधेरा चाहता है किसी भी कीमत पर दुनिया से शक्तिमान को खत्म कर डालना, उसके वजूद को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के जहन से मिटा देना। और तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो साहब कि अंधेरे के राजा तमराज किल्विश ने ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है। ये सब तो मैं भी जानता हूं, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस शक्तिमान को कैसे खत्म करूं। वो मेरी हर चाल को नाकाम कर देता है, हर बार वो मेरे जाल से बाहर निकल जाता है। अब नहीं निकल पाएगा। क्या? हाँ, अब नहीं निकल पाएगा शक्तिमान तुम्हारे हाथों से। सच? हाँ, अंधेरे की कसम। ये क्या है? ये एक पाप मणि का हिस्सा है। ये एक हिस्सा है तमराज किल्वेश के पाप मणि का, जिसके सामने शक्तिमान बिल्कुल बेबस हो जाता है, उसकी सारी ताकतें खत्म हो जाती हैं इस पाप मणि के सामने। वो इतना कमजोर पड़ जाता है कि वो इसके सामने खड़ा भी नहीं रह पाता। हाँ साहब, अब शक्तिमान को खत्म करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि तुम्हारे पास पाप मणि का एक हिस्सा है। अब तुम शक्तिमान को अपने जाल में फंसाओ, क्योंकि अब शक्तिमान तुम्हारे जाल को नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन और कोई सवाल नहीं,
तुम शक्तिमान को खत्म कर दो। अंधेरा तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसका तुम्हें एहसास भी नहीं है, जिसके पीछे दुनिया जिंदगी भर भागती रहती है। धन, दौलत, शोहरत, वो सब कुछ, सब कुछ तुम्हें अंधेरे के जरिए मिल जाएगा। इतना कि तुम्हारी आरजू खत्म होने लगेगी, लेकिन अंधेरे की नियामतें कभी खत्म नहीं होंगी। तुम अंधेरे के साए में अपनी ताकत को इतना बढ़ा सकते हो कि दुनिया तुम्हारी ताकत को सलाम करेगी। और मेरे ख्याल से तुम्हारा मकसद भी यही है। ये सब कुछ अंधेरे के जरिए मुमकिन हो सकता है। अंधेरा तुम्हें संसार का सबसे बड़ा दौलतमंद, शोहरतमंद और ताकतवर बना देगा। राज करोगे तुम इस दुनिया पर। मेरे आने का मकसद खत्म हुआ, अब मैं जा रहा हूं। लेकिन एक बात भूलना मत, अंधेरा अपनी नियामतें देना जानता है तो उसकी कीमत भी वसूलना जानता है। अंधेरा कायम रहे। शक्तिमान, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे ही हाथों तेरा खात्मा होगा, मेरे ही हाथों। शक्तिमान इज इक्वल टू गंगाधर। शक्तिमान का दूसरा रूप है गंगाधर। शक्तिमान, तूने एक बार फिर मुझे हवालात में पहुंचा दिया, लेकिन मैं भी हवा का वो झोंका हूं जिसे कैद करना बहुत मुश्किल है। हमेशा की तरह इस बार भी आजाद होकर दिखा देगा द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल। और इस बार मेरा शिकार होगा गंगाधर, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जान गया हूं गंगाधर ही तेरा दूसरा रूप है। शक्तिमान पावर। अरे शांति से सुनने देने यार, कब से बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है? और तू शक्तिमान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझा? यहां भी कहीं नहीं है, आखिर कहां कहां हो सकता है साहिब का अड्डा? आखिर ऐसा क्या रहस्य छिपा है साहब के अड्डे में जो साहब के साथ काम करने वाले नवरंगी और जैकॉल भी पुलिस को नहीं बता पाए साहब के अड्डे के बारे में? मुझे लगता है नवरंगी और जैकॉल चकमा दे रहे हैं पुलिस को। नहीं, मिलना पड़ेगा, एक बार मिलना ही पड़ेगा नवरंगी और जैकॉल से हवालात में। तुम दोनों ने अगर पुलिस को झूठ भी बोला होगा कि तुम्हें साहब के अड्डे का पता नहीं, तो भी मेरे सामने तुम सच को नहीं छिपा पाओगे। पावर! और तुम हमसे कभी सच नहीं जान पाओगे शक्तिमान, कभी नहीं। ऐसे मत देखो शक्तिमान, आपुन सच्ची बोलता है। आपुन को साहब के बारे में या उसके अड्डे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, कसम से। अगर इन लोगों ने साहब के अड्डे को देखा है तो इनके दिमाग में उसका चित्र अवश्य होगा। मुझे अपनी यौगिक दिव्य दृष्टि से उसे देखना होगा।
तो यह है साहब, अपना चेहरा छिपा कर रखता है, और यह है साहब के अड्डे का अंदरूनी भाग। लेकिन यह कहां होगा? यहां तक पहुंचने का रास्ता कहां से होगा? आगे देखना पड़ेगा। याद आ रहा है मुझे, नफरंगी के पास वो मणि। हां मुझे याद आ रहा है, मणि, मणि जिसे शक्तिमान ने मुझसे छीन लिया था, वो मणि। आवा, कुछ याद आया डॉक्टर जेकॉब? ओह, तो मेरी मणि और मेरे दूसरे रूप गंगाधर के बारे में दोबारा जान चुका ही है। और यही नहीं, बल्कि साहब भी जानता है इस बात को। मगर साहब के अड्डे का रास्ता कहां से जाता है, ये क्यों नहीं दिख रहा मुझे इसके मस्तिष्क में? आगे देखता हूं। साहब के अड्डे के अंदर जाने का रास्ता ये है, मगर अभी तक साहब का चेहरा नजर नहीं आया। मुसीबत तो इधर खड़ी है साहब। साइंटिस्ट तुम? हाँ मैं, द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जेकॉब। शट अप, जस्ट शट अप। किसकी इजाजत से तुम यहाँ पर आए हो? साहब ने जेकॉल से भी अपना चेहरा छिपा कर रखा था, इसीलिए मैं नहीं देख पा रहा हूं उसका चेहरा। साहब के अड्डे तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं गंगाधर हूं, ये बात दोबारा इसके दिमाग से हटाना होगा मुझे। ये इतनी देर से आप उनको काय को देख रहे हैं? आखिर ये यहाँ पर आया क्यों है? गंगाधर ही मेरा दूसरा रूप है, ये बात इसे भी जरूर पता होगी। इसके दिमाग से भी इस बात को हटाना होगा। शक्तिमान यहाँ? हाँ मैं आप ही का काम करने आया था, वो जानने आया था जो आप इन दोनों से नहीं जान पाए थे। मतलब? साहब के अड्डे का पता चल चुका है मुझे। वो सच इन दोनों ने पुलिस से छिपा कर रखा था, मगर ये लोग मुझसे नहीं छिपा पाए। जेकॉल के दिमाग में छपे इस साहब के अड्डे का चित्र मैंने देख लिया है इंस्पेक्टर। क्या? हाँ इंस्पेक्टर, साहब का अड्डा यहीं कहीं शहर में है, बहुत जल्द मैं उसे ढूंढ लूंगा। चलता हूं मैं। लो, बहुत जल्दी शक्तिमान साहब को भी ले आएगा, फिर वो भी बंद होगा तुम दोनों के साथ इसी कोठरी में। हम पुलिस वालों से झूठ बोला था ना तुम दोनों ने, साहब पकड़ा जाने दो, फिर एक साथ तुम तीनों की ठुकाई करूंगा मैं। लो मर गए बाप, फिर धुलाई होगी अपनी। अरे आपुन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शक्तिमान खड़े खड़े आपुन के दोनों के दिमाग को पढ़ रहा है।
इज इक्वल टू गंगाधर? मगर ये मैंने क्यों लिखा है? इसका मतलब तो ये हुआ कि शक्तिमान ही गंगाधर है। ये गंगाधर कौन है? तुम जानते हो गंगाधर कौन है? नहीं, मुझे नहीं मालूम ये गंगाधर कौन है, मैं नहीं जानता। मगर ऐसा मैंने क्यों लिखा? यानी शक्तिमान का एक दूसरा रूप भी है। क्या? हाँ, और उसका नाम है गंगाधर। गंगाधर? ये कौन है ये गंगाधर? गंगाधर कौन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन गंगाधर ही शक्तिमान के दूसरे रूप का नाम है। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है शक्तिमान इज इक्वल टू गंगाधर। इसका मतलब ये हुआ कि शक्तिमान ही गंगाधर है। आप उनको लगता है तू पागल हो गया है डॉक्टर। जबान को लगाम दे नवरंगे। अरे लगाम तुम दो अपनी खोपड़ी को। एक तरफ तो बोलते हो पता नहीं कौन है गंगाधर, और दूसरी तरफ खुद लिखते हो शक्तिमान का दूसरा रूप गंगाधर। अरे बाबा, जब तुमने खुद लिखेला है तो तुमको क्यों नहीं मालूम कि कौन है गंगाधर? मैंने यहाँ लिखा है इसका मतलब मैं पहले अच्छी तरह से जानता था कि गंगाधर ही शक्तिमान के दूसरे रूप का नाम है। पहले जानता था? अरे बाबा, ये कोई 2-4 साल पुरानी बात थोड़ी ही है। अरे अभी अभी तो तुमने लिखा है, शायद शक्तिमान के आने से पहले। यानी शक्तिमान के आने से पहले मैं ये जानता था कि शक्तिमान का एक दूसरा रूप भी है और उसका नाम है गंगाधर। तभी तो मैंने यहां लिखा है। तो शक्तिमान के जाने के बाद भूल कैसे गया? भूला नहीं हूं, बल्कि शक्तिमान ने भुला दिया है मेरे दिमाग से। मतलब? तुम्हें याद नहीं शक्तिमान इंस्पेक्टर से क्या कह रहा था? यही के अपने भेजे के अंदर छुपे वो सांप के अड्डे के चित्र को उसने देख लिया है। ए डॉक्टर, एक बात आप उनको समझ में नहीं आई, आप उनका भेजा क्या फिल्म प्रोजेक्टर है जो उसमें चित्र छुपे होते हैं। हाँ, हम जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र हमारे दिमाग में होता है, और मेरे दिमाग को पढ़ते हुए शक्तिमान ये जान गया होगा कि मैं उसके दूसरे रूप गंगाधर के बारे में जानता हूं। इसीलिए उसने ये बात मेरे दिमाग से मिटा दी। लेकिन शक्तिमान को शायद ये बात पता नहीं थी कि ये बात सिर्फ मेरे दिमाग में ही नहीं बल्कि इधर इस फर्श पर भी लिखी हुई थी। इसे कहते हैं द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल का ग्रेट शैतानी दिमाग। शक्तिमान, अब जब तेरे दूसरे रूप का नाम ढूंढ ही लिया है तो डॉक्टर जैकॉल तेरे दूसरे रूप को भी जान ही जाएगा। पावा। लेकिन ढूंढोगे कैसे, हम लोग तो यहाँ ये हवालात में बंद है। अब ज्यादा देर तक हम लोग हवालात में बंद नहीं रहेंगे। क्या वक्त आ गया यहाँ से निकलने का नवरंगी? पर कैसे, इस बार क्या करना होगा? बस ज्यादा कुछ नहीं, ये दवा पीनी होगी। दवा? कैसी दवा? ऐसी दवा। ये क्या पिला दिया? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? डॉक्टर, ये क्या पिला दिया मुझे? बड़ा अजीब सा लग रहा है, सब कुछ चुकड़ रहा है।
ये बटन, ये शर्ट की आस्तीन। ए साइंटिस्ट, ये तू क्या क्या प्रयोग करता रहता है मेरे ऊपर? अरे इतना छोटा बना दिया मुझे। अरे आपुन इतना छोटा तो तब भी नहीं था जब आपुन पैदा हुआ था। अभी आपुन शर्ट से बाहर कैसे निकलेगा? आपुन पूरा आखा नंगा हो चुके ला है। अभी क्या लाउड स्पीकर पे बोलता है? हाँ, चिल्लाता क्यों है? तुम्हारी बात सुनने के लिए मुझे तुम्हारे करीब आना पड़ेगा नवरंगी। बटन है। ए डॉक्टर, ए किधर हो तुम? ये क्या कर दिया तुमने? Come on.